हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मार्केटिंग, यानी कि थर्ड सेमेस्टर में आपके में है। इसमें सबसे पहले आपके यूनिट वन में कुछ टॉपिक कवर होते हैं सिलेबस के, जिसमें सबसे पहला जो आपका है वो है इंट्रोडक्शन, यानी कि इंट्रो में आप पढ़ेंगे कि मार्केटिंग की कैसे शुरुआत हुई है, कैसे मार्केटिंग का कहाँ से क्या कॉन्सेप्ट आया है, ये सारी बातें आप इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे। इसके बाद हमको पढ़ना है मार्केटिंग में ही नेचर और उसका स्कोप, यानी कि कहाँ उसका नेचर किस नेचर का है, उसके बाद वो कहाँ कहाँ तक उसका स्कोप है, कहाँ यानी कहाँ कहाँ आप मार्केटिंग को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं उसकी इम्पोर्टेंस की, यानी कि इम्पोर्टेंस को ध्यान में रखना है कि मार्केटिंग की क्या क्या इंपॉर्टेंस है, कहाँ कहाँ कौन सी चीज़ें काम करती हैं। इन सारी बातों को आपको क्या करना है, एक्सप्लेन कर, यानी कि आपको समझना है कि मार्केटिंग का क्या रोल है, यानी कि डेली लाइफ में हम ये भी ध्यान रखते हैं कि मार्केटिंग कहाँ कहाँ यूज़ होती है, कहाँ कहाँ इसका रोल क्या क्या है। इसके अलावा फिर बात करते हैं कि फंक्शन, यानी कि कौन कौन से कामों को पूरा करता है मार्केटिंग, यानी कौन इसको मार्केटिंग से कौन कौन से काम पूरे हो जाते हैं, अगर आप अच्छी मार्केटिंग करते हैं तो क्या क्या काम आपके अच्छे हो जाते हैं। उसके बाद काम बात करते हैं मार्केटिंग कॉन्सेप्ट की, यानी कि अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो हमारे मार्केटिंग के दो कॉन्सेप्ट है, एक ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है और दूसरा मार्केटिंग का मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। तो इस चीज़ों को भी हम इस सिलेबस में कवर करते हुए आगे पढ़ेंगे। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे सेलिंग और मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है, यानी कि सेलिंग क्या होती है और मार्केटिंग क्या होती है। कुछ लोग इन लोगों को सेलिंग और मार्केटिंग सेम लगता है, जबकि ऐसा नहीं है। सेलिंग एक अलग एकदम कॉन्सेप्ट है और मार्केटिंग एक अलग बिल्कुल एक अलग पहलू है कह सकते हैं। उसके बाद बात कर सकते हैं कि मार्केटिंग एनवायरनमेंट की, यानी कि कैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है, कैसा मार्केटिंग एनवायरनमेंट होना चाहिए जिसके अंदर रहकर आपको मार्केटिंग करनी है। उसके बाद बात करते हैं ई मार्केटिंग की। ई मार्केटिंग में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ई मार्केटिंग कैसे करते हैं। जैसे कि हमको कभी कभी क्या होता है, फेसबुक पे पेजेस देखते हैं तो वहाँ पे भी देखा होगा आपको प्रमोशन होता रहता है किसी भी किस चीज़ का, कोई वो सब कुछ सारी चीज़ें आपकी केस के अंदर आती है। मार्केटिंग का ही वो एक कहीं ना कहीं पार्ट है जिसमें आपको एडवर्टीजमेंट आ जाता है, आपका कई सारी चीज़ें हैं कि किस तरह से आप तक ये बात पहुँचाई जाए कि ये कैसे मार्केटिंग काम करेगी। अब हम बात करते हैं, पूरे सिलेबस को हम लोगों ने तीन क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया है, जिसमें हम आपको बता दें कि सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मार्केटिंग, यानी मार्केटिंग क्या होती है। उसके बाद बात करते हैं उसका नेचर क्या होगा, स्कोप क्या है। इसके अलावा हमने इसमें ऑब्जेक्टिव भी पुट ऑन करे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जरूरी होते हैं किसी भी क्वेश्चन में, अगर आप उसको पढ़ रहे हैं तो उसके लिए ऑब्जेक्टिव होना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद बात करते हैं फंक्शंस की और इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग की, यानी आपके पूरे क्वेश्चन में नेचर, स्कोप, ऑब्जेक्टिव, फंक्शन एंड इम्पोर्टेंस आना है आपके पहले क्वेश्चन में। उसके बाद बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, तो हमने इसको छोटा सा बनाया है लेकिन ये है बड़ा, बहुत बड़ा टॉपिक, यानी बात कहने की अगर हम कहें कि एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, जिसमें कॉन्सेप्ट ही वर्ड सबसे मेन है और जिसको हम ये जब आप पढ़ेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि वाकई में कितना बड़ा वर्ड है। उसके बाद बात करते हैं शॉर्ट आंसर की। शॉर्ट आंसर की बात करें तो आपको तीन शॉर्ट आंसर है इसमें, जिसमें हमने आपके नीचे के तीन जो सिलेबस के हैं, यानी सेलिंग वर्सेस मार्केटिंग, फिर सेकेंड क्वेश्चन आपका जो है वो बी पार्ट में है, यानी कि मार्केटिंग एनवायरनमेंट, और उसके बाद आपका आ जाता है ई मार्केटिंग। ये तीनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि तीनों चीज़, यानी कि सेलिंग और मार्केटिंग में डिफरेंस लोगों को नहीं पता होता है, और मार्केटिंग के लिए कैसा एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है, और ई मार्केटिंग जो कि हम लोग हर समय भले देखते हैं लेकिन हमें इस बात का अंदाज़ा भी नहीं हो रहा होता है कि ई मार्केटिंग ये चीज़ ई मार्केटिंग हो सकती है। अब हम आ जाते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो यानी कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या था कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मार्केटिंग, मार्केटिंग क्या होती है, उसके बाद उसके एक्सप्लेन नेचर, स्कोप, ऑब्जेक्टिव, फंक्शन एंड इम्पॉर्टेंस, ये पूरी बातें हम लोग ने ध्यान रखकर पहला क्वेश्चन बनाया है। तो हम अगर बात करते हैं कि जैसे कि आंसर में इसके दिया गया है कि मार्केटिंग इज़ अ बिजनेस टर्म दैट एक्सपर्ट हैव डिफाइंड डजन ऑफ डिफरेंट वेज, यानी कि बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से इसको डिफाइन किया है। इनफैक्ट इवन एट कंपनी लेवल पीपल में परसीव द टर्म्स डिफरेंटली, यानी कि अगर हम कंपनी लेवल पे देखा जाए तो अलग लोगों की सोच होती है। उसके बाद अगर बेसिकली हम लोग जो समझते हैं कि प्रोसेस थ्रू विच प्रोडक्ट एंड सर्विस मूव फ्रॉम कॉन्सेप्ट टू द कस्टमर, यानी कि वो कॉन्सेप्ट कह सकते हैं जिसके थ्रू आपके जो प्रोडक्ट हैं वो क्या हों, यानी कि आपके कंज्यूमर या कस्टमर तक पहुँचे, यानी कि आप अपने कस्टमर को कैसे अपनी तरफ खींचेंगे या अपनी तरफ लाएंगे, वो सारा पार्ट आपका, यानी एडवर्टीजमेंट उसका एक पार्ट है। मार्केटिंग में एडवर्टीजमेंट नहीं होता है, कुछ लोग मार्केटिंग को बिल्कुल एडवर्टीजमेंट कह देते हैं, बिल्कुल नहीं, मार्केटिंग में एडवर्टीजमेंट का वो एक छोटा पार्ट है। इसके अलावा मार्केटिंग हम पर्सनल वे में भी होती है, हर तरीके से होती है रहती है। तो आपको हमको देखना है कि मार्केटिंग केवल ऐसे नहीं होती, आप अच्छी ब्रांड यूज़ कर, यानी कि आपके कंपनी की क्वालिटी अच्छी है, क्वांटिटी अच्छी,
चाहिए, सब कुछ अच्छा है, तो ये सारी चीज़ें भी आपकी क्या करती हैं कि मार्केटिंग को बढ़ाती हैं, यानी आपकी मार्केटिंग करती रहती हैं। अगर आप एक अच्छा प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो इसका मतलब है वो आपकी मार्केटिंग, यानी कि वो भी स्ट्रैटेजी जो है वो मार्केटिंग के अंदर आ जाती है कि वो भी चीज़ आपकी मार्केटिंग को बढ़ाएगा। उसके बाद कैसे सेल जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स है वो किस तरह से बांटना है, यानी आगे पहुँचाना है, इस चीज़ को भी ध्यान रखना होता है। उसके बाद अगर हम इसकी मीनिंग की बात करें तो मीनिंग मार्केटिंग इज़ द स्टडी ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एक्सचेंज रिलेशनशिप। इसके यानी कि कैसा है मैनेजमेंट करना है आपको, कैसे एक्सचेंज रिलेशनशिप यानी कि अपनी बातों को इधर अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाओ, यानी कि एक्सचेंज करो, रिलेशनशिप मतलब उससे अपनी एक अच्छी रिलेशनशिप बनाई, मतलब अच्छी पकड़ बनाइए जिससे आपका कस्टमर आपसे कहीं जा ना पाए। उसके बाद बात करते हैं मार्केटिंग इज़ द बिजनेस प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग रिलेशनशिप, यानी आपको एक रिलेशनशिप बनानी है, रिलेशनशिप इन द सेंस ऑफ कि आपको मार्केटिंग में उस बंदे तक अपना एक अच्छी पहुंच बनानी है जिस बंदे को आप अपना गुड्स बेचेंगे। तो अगर आप अच्छा गुड्स आपका गुड्स है अगर आप उसकी मार्केटिंग नहीं करेंगे, अच्छा रिलेशन नहीं बनाएंगे, तो कुल लोग हो सकता है बहुत अच्छा प्रोडक्ट बेचते हो लेकिन आपकी मार्केटिंग अच्छी नहीं है तो लोग क्या होंगे वो उसको लेंगे ही नहीं। तो और कभी कभी क्या होता है कि बहुत अच्छा प्रोडक्ट नहीं है लेकिन उसकी मार्केटिंग बहुत अच्छी हुई है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपका वो प्रोडक्ट बहुत अच्छी तरीके से बिक सकता है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हम बात करते हैं कि एक अच्छा प्रोडक्ट कैसे बिक सकता है, एक अच्छा प्रोडक्ट एक अच्छी मार्केटिंग से बिक सकता है, इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को भी लाया गया था। पहले लोग क्या करते थे, सेलिंग ही करते थे। सेलिंग का एक मतलब होता है सिर्फ प्रोडक्ट को बेचना, वो कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। यानी कि आपको क्या करना है, पहले सेलिंग में क्या होता था कि बंदा सामने मिला, हमने उसको चीज़ किसी तरह उसको बेवकूफ़ बना के या कैसे भी करा उसको क्या किया, उस चीज़ को बेच दिया। बेच देने के बाद उस फिर उस बंदे को उससे मतलब नहीं है कि वो क्या होगा, यानी कि अब वो प्रोडक्ट लेके जाए बेच दे जाके चाहे कुछ भी कर दे, ख़राब हो जाए उससे उसका मतलब नहीं है। ये सेलिंग का प्रोसेस है, यानी कि आप तक हमने बस चीज़ पहुंचा दी, उसके बाद मेरी कुछ नहीं है, मेरी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन यहाँ पर मार्केटिंग में क्या होता है कि हमको कस्टमर सेटिस्फेक्शन का बहुत ध्यान रखना होता है, सिर्फ प्रॉफिट पर ध्यान नहीं रहते हैं। सेलिंग का यही कॉन्सेप्ट है कि सेलिंग के कॉन्सेप्ट में क्या है, सिर्फ प्रॉफिट ही है, जबकि मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट में क्या कह जाता है कि प्रॉफिट प्लस कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। यानी कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन नहीं होगा तो आपकी अच्छी मार्केटिंग नहीं होगी। प्रोडक्ट एक बार तो बिक जाएगा लेकिन आने वाले समय तक लोग वहां तक आपके प्रोडक्ट को नहीं, अगर आपकी सर्विस सेंटर, जैसे आपने बहुत सारे मोबाइल देखे होंगे या बहुत सारे आप प्रोडक्ट यूज़ करते होंगे, और जब मोस्टली जो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट लोग लंबे समय के लिए लेते हैं। यानी अगर आप टीवी LED कुछ भी लेते हैं या फिर फ़ोन लेते हैं मोबाइल फोन, तो कुछ लॉन्ग पीरियड के लेते हैं, 1 साल 2 साल 5 साल 20 साल। तो इस साल के तरह से हम जब प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो लोग क्या करते हैं, एक अच्छी मार्केटिंग मतलब कि बाई चांस क्या हो कि आप बहुत अच्छी ब्रांड तो है आपकी लेकिन आपकी सर्विस सेंटर ही नहीं है। बाई चांस किसी को कोई भी प्रोडक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है आपका, बहुत अच्छा भी प्रोडक्ट है, लेकिन क्या होगा कि भाई डिफ़ॉल्ट तो कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है ना। तो अगर आपकी मार्केटिंग नहीं अच्छी होगी, एक भी गलती आपसे आपकी मार्केटिंग यानी आपको डुबो सकती है, क्योंकि आप जितनी बड़ी ब्रांड होते हैं उतनी जल्दी डुबाया जा सकता है, लोगों का विश्वास भी उतनी जल्दी, आपकी एक अफवाह पर भी आपका प्रोडक्ट जो है वो क्या हो सकता है, आपका नहीं मतलब लोग लेना बंद कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखते हैं, जितनी बड़ी ब्रांड होती है उसमें कोई भी कमी निकल आती है तो लोग उस पर बहुत ध्यान देते हैं, छोटी ब्रांड है तो इतना नहीं ध्यान देते हैं क्योंकि लोग उसके वो सोच के ही लोग लेते हैं कि हाँ जब वही ब्रांड से समझौता कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमको प्रोडक्ट से समझौता करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अच्छी ब्रांड यूज़ कर रहे हैं उसके बाद आप अच्छा प्रोडक्ट नहीं दे रहे हैं या आपकी सर्विस सेंटर अच्छे नहीं है, तो आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, आपको इन फ्यूचर प्रॉब्लम क्रिएट आपको हो सकती है कि आने वाले समय में आपके जो प्रोडक्ट है वो कम बिकना शुरू हो जाएंगे, उसकी जगह आपके सब्स्टिट्यूट्स ले लेंगे जो कि अच्छी सर्विस सेंटर प्रोवाइड कर रहे होंगे या अच्छी मार्केटिंग कर रहे होंगे। इस बात को हमें बहुत ध्यान देना है। अब बात करते हैं कि इसके अलावा इसमें क्या है, सेटिस्फाइंग यानी विद एंड सेटिस्फाइंग कस्टमर एंड फोकस करा जाता है ऑन द कस्टमर। मार्केटिंग इज़ वन प्रीमियर कंपोनेंट ऑफ द बिजनेस मैनेजमेंट। बिजनेस मैनेजमेंट का एक प्रीमियर कंपोनेंट क्यों है, क्योंकि भाई आप बिजनेस में करने क्या जाते हैं, बिजनेस में आप चाहते हैं कि आपका प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बिके, आपकी सर्विस ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड हो। यानी आपका जो भी बिजनेस में आप प्रोडक्ट बेचते हैं या सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो आपके बिजनेस में इस चीज़ का ध्यान आपको रखना होता है कि वो सर्विस अच्छी तरीके से लोग आपसे सर्विस लें, तो उस मतलब प्रोडक्ट को बेचें खरीदें कुछ भी करें, तो आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि अगर आपका सर्विस सेंटर, यानी हमने बताया ना कि वो जो सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन नहीं होता है तो आपका प्रोडक्ट मार्केट में किसी के
पास गया और वो सेटिस्फाई नहीं हुआ, आप उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाए, तो वो आपको वही कस्टमर, वो कस्टमर चार लोगों से ये कहेगा कि भाई हम तो नहीं सेटिस्फाई हैं। अगर वो इस तरह से कहता है कि हम चार लोगों से सेटिस्फाई नहीं, तो आपकी कहीं ना कहीं ये निगेटिव आपके लिए हो गया। तो निगेटिव अगर होगा तो जाहिर सी बात है कि यही चेन आपकी वहीं से ख़राब होना शुरू हो जाएगी। आपको एक अच्छी चेन चाहिए तो आपको अच्छा मार्केटिंग यानी कि एक सपोर्ट अच्छा देना है। अगर आपको मार्केट में बने रहना है तो एक अच्छा सपोर्ट आपको रखना पड़ेगा, यानी कि अपने कस्टमर से सीधा कॉन्टैक्ट करें। अगर आप किसी भी, अगर आप कोई बैंक में है बाई चांस, आप कोई बैंक आपका चला रहे हैं या कोई बैंक है, बैंक में क्या होता है कि जरा सी, क्योंकि लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं बैंक के मामले में, आपके 10 रुपये 20 रुपये 100 रुपये, क्योंकि आप सोचते हैं अगर 100 रुपये आपके बेमतलब से जा चुके सकते हैं तो आपके लाखों रुपए भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं। तो आप बहुत छोटी सी चीज़ पे भी नर्वस हो जाते हैं, यानी कि अगर आपके बैंक से 100 रुपये आपके गलत ट्रांजेक्शन हो जाते हैं या फिर 100 रुपये आपके बेमतलब डिडक्ट हो जाते हैं, तो आप इस बात से परेशान हो जाएंगे। जाहिर सी बात है कि अगर आप डिडक्ट होते हैं तो आप सोचते हैं कि छोटी सी अमाउंट यानी 100 रुपये अमाउंट अगर यहाँ से गायब हो सकती है, बिना बताए डिडक्ट हो सकती है, तो आपका अगर लाखों का पैसा है, हजारों का पैसा है, वो आपको और भी क्या कर देगा, अनसेटिस्फाई। यानी कि आप अगर अच्छे कस्टमर नहीं है, आपने अच्छी तरीके से फीडबैक यानी कस्टमर को नहीं समझाया कि क्या डिडक्ट हुआ है, कैसे डिडक्ट हुआ है, क्यों डिडक्ट हुआ है, आपने अगर उसको सेटिस्फाई नहीं करा, बेमतलब आप डिडक्ट कर लेंगे, तो जाहिर सी बात है कि कस्टमर का आप पर से भरोसा हटने लगेगा। तो इस बात को आपको बहुत ध्यान देना है कि कैसे कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना है, कैसे उसका भरोसे को जीतना है। अगर आप भरोसा नहीं जीत पाते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको आगे चल के बहुत प्रॉब्लम, क्योंकि आप बिजनेस कोई शॉर्ट टर्म तो करते नहीं हैं, आप लॉन्ग टर्म करते हैं, आप सोच के चलते हैं वो आपकी लाइफ है, क्योंकि आपकी लाइफ की अर्निंग के लिए, मतलब कहने का मतलब है कि आपको अर्न करनी है लाइफ भर उसी से, तो ये लॉन्ग वे है, ये कोई छोटे पीरियड के लिए नहीं कि आपने कस्टमर को फंसा लिया, किसी तरह उसको बेवकूफ़ बना लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करनी। भले धीमे मार्केट धीमे धीमे चढ़ना है, लेकिन कैसे चलना है, भरोसे के साथ और साथ साथ सेटिस्फैक्शन, यानी कि कंज्यूमर सेटिस्फाई भी हो और उसका आप पे ट्रस्ट बना रहे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि छोटी छोटी चीज़ें, जैसे अभी हम बात करते हैं कि अगर आपने नई शॉप खोली है और नई शॉप खोलने के बाद आप क्या करते हैं कि भाई जाहिर सी बात है कोई भी बंदा आपके पास आता है, एक आपने डब्बा ऐसा लिया कि जिसमें पूरी आपने टॉफ़ी भर दी, चॉकलेट भर दी, कुछ भी भर दिया, और आपने क्या किया कि आपको अपनी मार्केटिंग करनी, तो क्या किया कि कोई भी बंदा आपके पास आया, उसने कोई भी प्रोडक्ट लिया, तो आपने क्या किया वो दो टॉफ़ी उसको अपनी तरफ से गिफ्ट कर दी, आपने वो दो टॉफ़ी गिफ्ट करी। लेकिन इससे क्या हुआ कि लोग ये सोचते हैं कि कोई फ्री में क्यों करेगा कुछ, तो आप ये सोचिए कि वो दो टॉफ़ी आपके इन फ्यूचर बहुत काम आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि लोग क्या होते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं या कोई भी होता है, वो सोचता है कि कुछ बेहतर भी दे रहा है, चीज़ तो आप वही देंगे जो दूसरे देंगे, लेकिन वो आपके पास क्यों खींच के चला है, क्योंकि वो आप सोचते हैं कि वो कुछ एक्स्ट्रा कर रहा है आपके लिए, एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहा है। जब हम किसी अपने कस्टमर के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप अपने बिजनेस, अपनी मार्केटिंग खुद कर रहे हैं, और आपका इसको आने वाले समय में आपको यानी कि आने वाले समय में जिस तरह का आपका प्रॉफिट हो, उसमें से कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हिस्सा निकाल लीजिए जिसको आपको इस मार्केटिंग यानी मार्केटिंग करने के लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़ता है। हम अपनी तरफ से ही शुरुआत कर सकते हैं, अपने ही जरिए से कोशिश कर सकते हैं कि मार्केटिंग कैसे हो, कि हम अगर आप इंडिविजुअल काम कर रहे हैं तो इंडिविजुअली इस चीज़ को करिए, अगर आप बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं तो बड़े लेवल पे भी आप, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे टूथपेस्ट आते हैं जिसके साथ ब्रश फ्री मिलते हैं, या फिर आपने देखा होगा कि पहले जब मैगी आती थी, उस मैगी जो आती है मैगी के अंदर मैगी मसाला डाल के देते हैं, तो आपको कहीं जाना नहीं पड़ता है, तो आप सीधा मैगी ले लेते हो। इसी वजह से मैगी इस समय सबसे ज़्यादा समझ लीजिए बिकने वाला प्रोडक्ट में से एक हो गया है। उसके बाद बात करते हैं कि इसकी डेफिनेशन की, जो कि पीटर एफ ड्रकर ने दी थी। पीटर एफ ड्रकर का क्या कहना था कि मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ विच कन्वर्ट द रिसोर्सेज डिस्टिंक्ट नॉलेज एंड इनटू कंट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू इन द मार्केट प्लेस। आपको क्या करना है, अपने रिसोर्सेज को, अपनी नॉलेज को बढ़ाते हुए अपनी इकोनॉमिक वैल्यू क्रिएट करनी है। कहाँ पे करनी है? मार्केट प्लेस पे। मार्केट प्लेस पर आपको अपनी इकोनॉमिक वैल्यू क्रिएट करनी है। वो तभी होगी जब आप अपने रिसोर्सेज को, अपने एक अच्छी ब्रांड, अपने कस्टमर को अच्छा सेटिस्फैक्शन देंगे, अच्छा मतलब बातों का ध्यान रखेंगे, उसको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। ये सारी बातें जब आप करेंगे तभी वो जब आपसे सेटिस्फाई होके जाएगा आप, तो ही वो प्रोडक्ट, यानी कि एक होता है सेटिस्फैक्शन, दूसरा होता है ट्रस्ट, दोनों बातें होती हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ चीज़ें क्या करते हैं कि
लेते हैं, हम सेटिस्फाई तो हो जाते हैं लेकिन हमारा भरोसा नहीं हो पाता। भरोसा क्यों नहीं हो पाता? कभी कभी आप कोई ऐसी जगह पे जाइए जहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ पर ये चीज़ कैसे हो सकती है, तो आपको भरोसे के लिए, जैसे कभी कभी होता है कि आप कोई भी छोटा प्रोडक्ट ऐसा कुछ खा रहे हैं या कुछ भी नया प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, तो वो हो सकता है लाइट बहुत बढ़िया दे रहा हो लेकिन आपने क्या किया कि वो बाई चांस लाइट तो बहुत अच्छी दिया लेकिन 10 दिन के बाद वो क्या हो गया, फ्यूज़ हो गया। फ्यूज़ होने के बाद भाई जाहिर सी बात है, अगर आपका बल्ब 10 दिन नहीं चल रहा है तो ये आपकी गलती है, वो कस्टमर की गलती नहीं है। हाँ, कस्टमर की गलती ये हो सकती है कि भाई फूट जाए या कोई चीज़ उसमें हो जाए, तो यहाँ पर अगर आपकी गलती है तो उसे मानिए। मानिए क्यों? क्योंकि आपको पता है कि हो सकता है ये आपका लॉस हो, लेकिन अगर आप इसको पूरा नहीं करेंगे तो ये आपको एक आने वाले समय में बड़ा लॉस बन जाएगा, क्योंकि ये आपकी मार्केटिंग को ख़राब करने लग जाएगा। क्योंकि लोग रिव्यू देते हैं, लोग फीडबैक देते हैं, आज के ज़माने में मार्केटिंग, सिर्फ आप समझ लीजिए, आप कोई भी प्रोडक्ट देखते हैं, लेते हैं, कोई भी कार लेते हैं, जब तक आप उसका रिव्यू नहीं देखेगा कोई बंदा तब तक उसको नहीं लेता है। तो पहले तो ये होता था कि आपने कुछ समझा दिया कस्टमर को, इसमें ये है वो है, इसमें इंजन इतना है उतना है, आपने जो भी समझाया वो उसको समझ में आ गया, लेकिन हम लोग को तो पता है ना कि अगर हम तब तक भरोसा नहीं करते जब तक 10 लोग हमसे ये ना कह दें कि हाँ ये चीज़ अच्छी है, तभी हम उसको लेने जाते हैं। वरना आपने, आप क्या पास कस्टमर गया, आपने कुछ भी बता दिया और बाद में वो गलत निकल के आया, कुछ भी गड़बड़ हुआ, तो आपको भरोसा भी टूटेगा साथ साथ उसकी मार्केटिंग भी ख़राब होगी। जैसे सैमसंग के प्रोडक्ट, आप सैमसंग की बात नहीं करना चाहेंगे लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं कि क्या होता है कि आप जब कभी कभी ऐसी शॉप्स में जाएंगे तो वो आपको दूसरों से कम, जब भी कभी क्या होता है कि कभी कभी आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही होती, तो आज कल जो मार्केटिंग होने लगी है वो बहुत गलत लहजे में। अगर आपको कोई कस्टमर आपको कोई चीज़, मतलब आप अगर आपको कोई कुछ बेचना चाह रहा है कस्टमर को, तो वो कैसे बेचते हैं कि दूसरी चीज़ों की बेचती करते हैं, अपने प्रोडक्ट को बताने की कोशिश करते हैं बहुत कायदे से, और बताते बताते वो कहीं ना कहीं आपकी इंसल्ट करने लगते हैं, आपके जो पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं उनको सुनते ही नहीं है, सीधा निगलेक्ट कर देते हैं। तो आप कभी कभी क्या होते हैं कि जबरदस्ती में सामान तो दे देते हैं उनको, या समझ जबरदस्ती में क्या होता है, कस्टमर सामान तो ले लेता है लेकिन आने वाले समय में जब वो अब कभी भी आपकी शॉप पे आएगा तो वो कभी भी आपकी शॉप पे नहीं जाएगा, भले वो किसी से शॉप पे चला जाए, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ पे हम आ गए हैं लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है कि अगर आप किसी भी तरीके से उस कस्टमर को आप जबरदस्ती कोई चीज़ लेने के लिए प्रेफर करेंगे तो जबरदस्ती में क्या होता है कि वो बेमन से ले तो लेगा, और बेमन में अगर कहीं गलती निकल गई तो आपने पूरी मार्केटिंग ख़राब कर ली। तो इस बात को भी हमें इस तरह से ध्यान रखना होता है कि हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना होता है कि आने वाले समय में ही आपका, यानी कि कंपटीशन, आपका प्रोडक्ट, आप तब तक बने रहेंगे जब तक अपने कॉम्पिटिटर से आप अच्छा प्रोडक्ट, अच्छी फैसिलिटी, अच्छी सर्विस, अच्छा सेटिस्फेक्शन जब तक नहीं देंगे, तब तक आपको इस समय में, जो कि इस समय का समय चल रहा है, उसमें मार्केट में बैठना यानी बने रहना बड़ा मुश्किल काम है। क्योंकि आपके 10 सब्स्टिट्यूट निकल आते हैं, आप कोई प्रोडक्ट निकालिए, आप नया प्रोडक्ट निकाल रहे हैं या फिर जितने भी प्रोडक्ट चल रहे हैं, तो आप किसी प्रोडक्ट को देख कर ही कुछ शुरू करते हैं, आप ऐसे प्रोडक्ट नहीं कुछ नया निकाल देते हैं जो कि नहीं चलेगा, लोगों की डिमांड है कि नहीं है, आप वही प्रोडक्ट निकालते हैं जिसकी डिमांड होती है, और जब जिसकी डिमांड होती है वही चीज का प्रोडक्ट निकालना है तो लोग ज्यादातर उसी चीज को ले रहे होते हैं जिस पे भरोसा कर रहे होते हैं। तो जिस पे भरोसा है उनको, तो जाहिर सी बात है कि अगर भरोसा है उनको तो उनका भरोसा अगर आपको बनाना है तो जब भी वो आपके पास आए तो आप उसको बेस्ट से बेस्ट चीज़ें देने की कोशिश करें, और कोशिश करने के बाद साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि सेटिस्फाई, यानी कि अगर कोई गलती निकल आती है तो आपको ही उसको आप उस समय करना है, क्योंकि आप अभी या तो बड़े लेवल पे पहुंच जाइए जहां पे आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता है कस्टमर का, इस लेवल पे बैठ जाएं, इतनी बड़ी कंपनी बन जाए कि आपको कस्टमर से कोई मतलब ही नहीं है, आपने अपना प्रोडक्ट निकाल दिया उसमें कोई गलती नहीं होती है, तो अब गलती हो भी, जैसे इस समय जियो आपका फ्री हुआ था लेकिन आज उसके जितने भी आपके जितने भी आप देखेंगे कि जितने भी आपके अब जो भी रिचार्ज हो रहे हो वो महंगे महंगे हो रहे हैं, जबकि शुरुआत में जब जियो आया था तो उसने एकदम फ्री बांटा था, आज वो फ्री बांटने की जगह उसने हद से ज़्यादा चार्जेस लेने लगा है हर चीज़ के रिचार्ज के, हर चीज़ के जो चार्जेस हैं वो काफ़ी हद तक उसने बढ़ा दिए हैं, जबकि एक समय आज से 4-5 साल पहले की बात है कि जियो फ्री में बट रहा था, यानी फ्री आप डाटा यूज़ करिए, उसने आपकी ऐसी आदत बिगाड़ दी कि आज आप 400-500 रुपए में उसको लेने को तैयार हो जाते हैं आप, क्योंकि इतने समय लंबे समय के बाद उसने क्या किया कि आपको केवल खुद अकेला ही रहा और बाकी पूरी मार्केट उसने बैठा दी, ना वोडाफोन, ना आइडिया, ना कुछ भी नहीं,
अब सिर्फ क्या है जियो, अब भाई जाहिर सी बात है जो इतने समय से 4 साल से जियो चला रहा है तो वो जियो के नंबर को चेंज करने बहुत रेयर टू रेयर केस में ही करेगा, भले वो उसमें पैसे भले ज़्यादा दे दे। तो बहुत सारे कस्टमर स्विच नहीं करते हैं अगर उन्होंने सिर्फ, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है जिसका नंबर बचा हुआ है वो पोर्ट करा सकता है, लेकिन पोर्ट भी कोई कोशिश, क्योंकि पोर्ट करने से कह सकते हैं कि आपने पोर्ट कर लिया, लेकिन वो चीज़ें वो नहीं आ पाती हैं जो आपको चाहिए, मतलब होती हैं आपकी। अब बात करते हैं नेचर की। अब मार्केटिंग की अगर हम नेचर की बात करते हैं तो मार्केटिंग का नेचर किस तरह का है, तो हमने सबसे पहली बात जो है, मार्केटिंग इज एन इकोनॉमिक फंक्शन, यानी कि हमें ध्यान रखना है कि मार्केटिंग क्या है, कैसी होती है मार्केटिंग। तो मार्केटिंग किस लिए, भाई हमने पहले भी आपको बताया था, इससे पहले हम आपको बता दें कि जब बिजनेस आप करते हैं तो कोई भी एक्टिविटी जो होती है वो हमने पढ़ी है कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी और इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी ही आपका क्या आ जाता है, आपका वो कह सकते हैं ऑक्यूपेशन कहलाता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी आपका ऑक्यूपेशन कहलाता है। तो बिना ये, यानी कि भाई मार्केटिंग क्यों कर रहे हैं, पैसे की वजह से तो कर रहे हैं, यानी कि आपके कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं से बेनिफिट हो इन द टर्म्स ऑफ मनी, या इन द कह सकते हैं कि मतलब उसके बराबर। अब बात करते हैं कि मार्केटिंग क्यों करते हैं, भाई जाहिर सी बात है अपने प्रोडक्ट को बनाना, उसकी सेल बढ़े, उसके उससे ज़्यादा ज़्यादा पैसे कमाएं, आपका प्रॉफिट ज़्यादा हो, ज़्यादा प्रॉफिट होगा, तो ये इस वजह से क्या हो जाती है, एक इकोनॉमिक फंक्शन होता है, यानी मार्केटिंग इज़ एन इकोनॉमिक फंक्शन, जो कि क्या करता है, एक्टिविटी इन्वॉल्व गेटिंग गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द हैंड्स ऑफ प्रोड्यूसर इन टू हैंड ऑफ फाइनल कंज्यूमर, यानी कि एक प्रोड्यूसर से फाइनल कंज्यूमर तक प्रॉफिट बेस पर आपको क्या करना होता है कि वो आपको अपने प्रोडक्ट को बेचना होता है, उससे प्रॉफिट होती है। तो ये कैसी हुई, मार्केटिंग का काम क्या है कि फाइनल एक प्रोड्यूसर से जो सामान है वो कहाँ पहुँच जाए, आपके कंज्यूमर थे, कंज्यूमर लेगा तभी आपका पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो फिर आपका प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होके फिर आप प्रोडक्ट बनाएंगे, ये चीज़ प्रोसेस चलता रहेगा। जहाँ भी मनी का टर्म जुड़ जाता है वहाँ जाहिर सी बात है इकोनॉमिक टर्म भी जुड़ जाता है। अब बात करते हैं, मार्केटिंग इज़ अ लीगल प्रोसेस बाय विच ओनरशिप ट्रांसफ़र। अब मार्केटिंग ऐसे होते हैं कि एक लीगल प्रोसेस है, ये लीगल प्रोसेस का मतलब है कि ये आपको क्या करना होता है कि आपका प्रोडक्ट दूसरे का हो जाता है एक समय के बाद, यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप है, लेकिन कैसे है इस चीज़ को भी समझना है कि लीगल प्रोसेस है, आप अपनी ओनरशिप को ट्रांसफ़र कर रहे हैं लीगल प्रोसेस से, यानी कि प्रोडक्ट आपके हैं उस पर आपका नाम लिखा है, दूसरे का जब वो आपको बेच देता है तो वो प्रोडक्ट आपका हो जाता है भले कंपनी का नाम उस पर लिखा हो। जैसे आपको हुंडई की कंपनी की कार लेते हैं अगर, तो हुंडई कंपनी की अगर कार लेते हैं तो हुंडई की कंपनी की कार जब आपके हाथ में आ जाती है, आप उसके पैसे दे देते हैं, तो वो ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाती है, यानी वो कंपनी की कार अब किसकी हो गई, आपकी। नाम भले हुंडई चलती रहती है, वो मार्केटिंग का जरिया है कि आपकी कार है, अच्छा प्रोडक्ट है, किस कौन सा प्रोडक्ट है, कौन लेना चाहेगा, ये सब की वजह से उस पर लिखा जाता है कि इसकी कार है, वो है। तो इससे क्या होता है कि आपकी मार्केटिंग बढ़ती है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक अच्छी पैकिंग करते हैं, पैकिंग से भी मार्केटिंग अच्छी होती है। इसके अलावा क्या होता है कि कुछ लोग बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन करके दे देते हैं, जैसे आपने देखा होगा 20% ऐड करके, यानी कि 20% बढ़ गया या 50% बढ़ गया, या कोई चीज़ ऐसे होता है एक्स्ट्रा करके 20% एक्स्ट्रा, 30% एक्स्ट्रा, ऐसे करके भी कुछ लोग क्या करते हैं, मार्केटिंग करते हैं। इसके बाद ये ओनरशिप की ट्रांसफ़र के बाद बात करते हैं, मार्केटिंग इज़ एन सिस्टम ऑफ इंट्रैक्टिंग बिजनेस एक्टिविटी, यानी कि क्या होता है, एक तरीके का सिस्टम होता है जिसमें बिजनेस एक्टिविटीज़ में आप इंट्रैक्ट लगातार जुड़ते रहते हैं, उसी में इन्वॉल्व रहते हैं कह सकते हैं। तो ये भी एक तरीके का, यानी कि मार्केटिंग कैसा है, इंट्रैक्टिंग बिजनेस एक्टिविटी सिस्टम होता है एक तरीके का, जिससे आप बिजनेस एक्टिविटी से इंट्रैक्ट होते हैं, जुड़ जाते हैं। उसके बाद मार्केटिंग इज़ अ मैनेजरियल फंक्शन, भाई जाहिर सी बात है मैनेजरियल फंक्शन क्यों नहीं होगा, अगर आप भाई जाहिर सी बात है कि अगर आप किसी चीज़ को मैनेज करके नहीं चलेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो चीज़ बिगड़ने लग जाएगी। तो भाई जाहिर सी बात है कि मैनेजरियल फंक्शन इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि मार्केटिंग को एक सिस्टम के साथ करते हैं, ऐसे नहीं करने लगते हैं कि कुछ भी एकदम से हमें आया कि 2 दिन मार्केटिंग कर ली फिर 4 दिन बैठ गए, ऐसा कुछ नहीं होता है मार्केटिंग। और कभी आपने 2-4 दिन अच्छा प्रोडक्ट बेचा फिर 5-6 दिन के बाद आपने फिर वही प्रोडक्ट ले आए, ऐसा बिल्कुल नहीं करते हैं। मार्केटिंग लॉन्ग टर्म में एक प्रोसेस होता है कि आपको आने वाले समय में भी बने रहना है, इस वजह से मार्केटिंग करी जाती है। मार्केटिंग इसलिए नहीं करी जाती कि आपको शॉर्ट टर्म में कोई प्रॉफिट दे देगी, मार्केटिंग इसलिए की जाती है कि ये आपको लॉन्ग रन में आपको क्या करे, प्रॉफिट दे ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा उतनी आपके लिए बेटर है। अब ये बात होती है कि शॉर्ट टर्म में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे तो शॉर्ट टर्म में आप प्रॉफिट को समय के लिए तो कमा लेंगे, लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि वो प्रॉफिट आप ज़िंदगी भर अपने पास रखे रहेंगे। भाई आपको प्रॉफिट तो आपके पास तभी बना रहेगा जब आप उसको कमाते रहेंगे, तो कमाते तब रहेंगे कि मार्केटिंग है, अच्छी मार्केटिंग आपको हमेशा प्रॉफिट कमा के देगी।
उसके बाद बात करते हैं कि मार्केटिंग इज अ सोशल प्रोसेस। सोशल प्रोसेस क्यों है? क्योंकि कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन इन्वॉल्व है, ट्रस्ट इन्वॉल्व है, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व है। इस वजह से मार्केटिंग, एक अच्छी मार्केटिंग ही आपका कस्टमर का ट्रस्ट बनाती हैं और आपकी जितना अच्छा लॉयल्टी बनाती हैं कि आपसे हट के कोई चीज़, कुछ कुछ चीज़ों में जैसे हम क्या कहते हैं ब्यूटी स्किन जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी मार्केटिंग, अगर आप अच्छा प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे सेंसिटिव चीज़ है जिसके जल्दी यूज़र्स बनाना थोड़ा सा मुश्किल का काम होता है, लेकिन अगर आप अच्छी मार्केटिंग कर रहे हैं, अच्छी सब कुछ चीज़ें कर रहे हैं, आप किसी, जैसे लोगों को आपने देखा होगा कि टूथपेस्ट का, जब टूथपेस्ट इतने सारे चल रहे हैं, लेकिन किसी डॉक्टर ने आके एडवर्टाइज़ कर दिया कि एक अच्छे डॉक्टर ने क्या कर दिया, एडवर्टाइज़ कर दिया कि ये भाई ये जो प्रोडक्ट है आपका वो सर्टिफाइड है और ये है, इससे बिल्कुल आपका दांतों का एकदम बढ़िया इलाज होगा, सब कुछ अच्छे से होगा, तो ये बातें जो होती हैं वो क्या करती हैं आपकी एक अच्छी रेपो जो तैयार करती है। जैसे अभी आपका ब्रांड एडमिशन आपके सोनू सूद हो गए हैं, किसके, आपके कोका कोला के या पेप्सी के, तो ये जो ब्रांड एम्बेसडर चेंज होते रहते हैं वो इस वजह से होने लगते हैं कि भाई जाहिर सी बात है एक अच्छा चेहरा जिसके अच्छी रेपो बनी है मार्केट में, उससे अगर एडवर्टाइज़ कराएंगे तो लोग वो सोचते हैं कि ये भी वही पीता है तो हम भी यूँ। जैसे माउंटेन ड्यू का जब आपने देखा होगा ऋतिक रोशन ने प्रमोट करा था कि डर के आगे जीत है, तो जाहिर सी बात है कि जब इस तरह का कोई बंदा कोई काम कर देता है तो लोगों के अंदर ये आने लगता है कि हाँ नहीं यही लेना है। मतलब प्रोडक्ट तो जाहिर सी बात है इनमें आना बड़ी मुश्किल काम होता है, लेकिन अगर आप एक अच्छी स्ट्रेटजी के साथ मार्केट में उतरे हैं, अच्छी एडवर्टीजमेंट, अच्छी मार्केटिंग के साथ अगर आप मार्केट में उतरे हैं तो आप जल्दी चलना शुरू कर देंगे। गलत मार्केटिंग के साथ अगर आते हैं, स्ट्रेटजी नहीं अच्छी है, कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास इतना पैसा नहीं होता है कि हम बड़े लेवल पे काम करें, तो नहीं, आप छोटे लेवल पे काम करना शुरू करिए। आप अगर आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके एरिए में बिकता है तो वो धीमे ही धीमे शुरू होगा, जाहिर सी बात है। जैसे कि अब बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो स्टार्टिंग में बस शुरू करे गए, जैसे अभी जब दवाइयाँ तो बहुत पहले से भी चल रही थी, जैसे बहुत पहले से अब बहुत सारे टूथपेस्ट आ रहे थे, लेकिन अब जो है जो ज़्यादातर क्या है कि आपके ह्यूमन जितने भी है इंडियन प्रोडक्ट लोग ज़्यादा यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इन बातों को ध्यान में, भाई इंडियन प्रोडक्ट अभी तक नहीं इतने आ रहे थे लेकिन जब से इधर थोड़ा सा आपने देखा होगा तो वो हर, ये ऐसा टाइम था जो अभी आपने कोरोना वायरस का टाइम देखा है, उस टाइम में ऐसा हुआ है कि चीज़ों की कमी हुई है। चीज़ों की जब कमी होती है तो जाहिर सी बात है कि आज जो कंज्यूमर है वो क्या करता है, सब्स्टिट्यूट ढूंढता है, बेस्ट सब्स्टिट्यूट। यानी कि आपने मैगी देखी होगी, बाई चांस अगर मैगी की कहीं से शॉर्टेज हो जाती है, फिर किसी और प्रोडक्ट की कोई शॉर्टेज हो जाती है, तो जो कंज्यूमर होता है, कस्टमर होता है, वो स्विच करता है तो वो देखता है कि सेकंड बेस्ट ऑप्शन क्या है। आपके सेकंड बेस्ट जो ऑप्शन होते हैं वो आपको मौका देते हैं मार्केट में अपनी पकड़ बनाने का, यानी कि यहाँ पर आपको, यानी कि चीज़ें चेंज होती रहती हैं, चीज़ें दूसरों को मौका मिलती रहती हैं, कुछ चीज़ें प्लान्ड होती हैं, कुछ चीज़ें नहीं प्लान्ड होती है। आप सोचते हैं कि भाई अरे इतने समय से हम निकाल रहे हैं प्रोडक्ट, इतनी अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं, हम नहीं बैठ पा रहे, तो ऐसा सोच के मत चलिए कि क्योंकि आने वाले समय में कौन सी चीज़ कब चेंज हो जाए, कब किसका सब्स्टिट्यूट की ज़रूरत पड़ जाए, हो सकता है कौन सा ब्रांड कब सप्लाई नहीं कर पा रहा हो, कब उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो जाहिर सी बात है अगर वो अच्छी ब्रांड नहीं कर पाएगा, अच्छी ब्रांडिंग नहीं होगी, अच्छे तरीके से डिमांड को पूरा नहीं कर पाएगा, तो लोग सब्स्टिट्यूट की तरफ भागते हैं। और अच्छा सब्स्टिट्यूट, अब कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग कुछ चीज़ों के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो भी लोग क्या करते हैं, स्विच करते हैं, तो आपको स्विचिंग पे ही ध्यान देनी है कि आप कैसे दूसरे कस्टमर को स्विच करा सकते हैं। जैसे कि MI के फ़ोन अगर आप बात करें, मैं यहाँ पर कोई इसका प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको समझिए कि उसने बेस्ट चीज़ें जो प्रोवाइड कराई हैं, इससे कोई भी आप समझौता नहीं कर सकते कि उसने मोस्टली चीज़ों को आपको, आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी उसके मामले में, या फिर बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि क्या करते हैं कि अच्छे प्रोडक्ट, यानी कि कम पैसे पे ज़्यादा से ज़्यादा काम करना। ज़्यादा से ज़्यादा काम कैसे करना, कि अगर आपको ये बात ध्यान रखनी कि आप अगर बहुत, आप कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन कब होगा, जब वो कम पैसे देगा और उसे लगेगा कि इस पैसे पर ये चीज़ तो मिल ही नहीं सकती है। तो जब इस तरह के कॉन्सेप्ट पे आप काम करेंगे, आपको वो बनाना है, कोशिश करते हैं जब आप बड़े लेवल पे काम कर रहे होते हैं तो जाहिर सी बातें चीज़ें कहीं ना कहीं मैटर करती हैं। हो सकता है आप सोच रहे हो कि क्वांटिटी कैसे, क्वालिटी अच्छी कैसे कर दें या क्या कर दें, तो आप सोचिए कि कैसे करिए, तो ये आप पे ही सब कुछ बेस्ड है। तो आपको इस चीज़ पे ध्यान रखना है कि कम से कम चीज़ पे बेस्ट चीज़ आप प्रोवाइड करेंगे तो कि कस्टमर भी सोचता है कि इस चीज़ पर ये चीज़ तो मिलना बहुत मुश्किल है। जैसे सिम जब आया था जियो का, तो उसने सब फ्री कर दिया, जब फ्री कर दिया तो सारी कंपनी बैठ गई।
तो जब सारी कंपनी बैठ गई जाहिर सी बात है, और जब उसके 3 साल 2 साल बाद उसने धीमे धीमे अपने रिचार्ज बढ़ाए, रिचार्ज करा, तो वो आप खुद समझिए कि जब उसने वो अब वहाँ से वो सोचने लगे, जब आपकी आदत डाल दी, तो आदत डालने के बाद आज भी आपको रिचार्ज, आप समझ लीजिए 250 रुपये का 2G का रिचार्ज हुआ करता था उस समय की बात है, कि मतलब 3-4-5 साल पहले 2G रिचार्ज आपका क्या होता था, 250 रुपये का होता था रिलायंस में। अब आप देखिए जब 4G आ रहा है और आपको फ्री मिल रहा है, और फ्री मिलने के बाद अगर आप उसके भी पैसे आज आप 150 रुपये में भी आपको महीने भर का 4G मिल जाता है, जबकि 2G आपको एक महीने के लिए मिलता था 250 रुपये में, तो आप समझ लीजिए कौन सी चीज़ आपके लिए बेटर है। तो आपको भी ध्यान रखना है कि मार्केट में अगर अपनी पकड़ बनानी है तो कुछ ऐसा ज़रूर स्ट्रैटेजी लानी है कि दूसरा सोचे कि ऐसा हो ही नहीं सकता। आज भी इसलिए जियो के प्रोडक्ट यूज़र स्विच नहीं कर रहे हैं, उसका रीज़न ये है कि वो 250 रुपये का एक समय 2G चलता था, आज 150 रुपये में अगर महीने भर का 4G चल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि आप पहले से अब बेटर भी हैं और आप कम पैसे पे उस चीज़ को दे भी रहे, प्रोवाइड भी कर रहे हैं। बहुत सारी कंपनियां उसको कॉम्पिटिट करने की अभी भी कोशिश कर रही हैं, लेकिन चीज़ें क्या होती हैं ना, जब अच्छी होती हैं तो वो उसको थोड़ा सा बीट कर पाना, या तो आप उसी तरीके की कोई स्ट्रैटेजी लाइए या उससे बेहतर स्ट्रैटेजी लाइए, उससे अच्छा कुछ करिए, तभी लोग स्विच करेंगे। जब तक आप, वरना आदमी कम में हलू काम कर चला लेता है लेकिन वो स्विच नहीं करता है, इस चीज़ को आपको बहुत ध्यान रखना है। तो स्विचिंग का भी हमें ध्यान रखते हुए इस बात का ध्यान रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर हो पाए। उसके मार्केटिंग इज़ अ फिलॉसफी। फिलॉसफी क्यों है कि जाहिर सी बात है कि चीज़ों को जब हम बता रहे होते हैं, फिलॉसफी इसलिए होता है क्योंकि हमको ध्यान में रखना होता है कि कॉन्सेप्ट, यानी ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट क्या कहता है मार्केटिंग का, और मार्केटिंग का जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन का, उसको बहुत ध्यान रखना होता है। कि हमें फिलॉसफी इसलिए होती है क्योंकि कुछ चीज़ें हमारी इस तरह से देती हैं, जैसे उसमें बेस्ड ऑन द कंज्यूमर ओरिएंटेशन एंड सेटिस्फेक्शन। ओरिएंटेशन मतलब कैसे वो शुरू होगा, कहाँ से प्रोडक्ट आप लाएंगे, कहाँ से आप कंज्यूमर बनाएंगे। कंज्यूमर जैसे अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जैसे कभी कभी क्या होता है कि आपको हर चीज़ ध्यान मार्केट में उतारने से पहले हर एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि ये प्रोडक्ट क्या यहाँ के लायक भी है। बाई चांस कभी कभी होता है, या फिर लायक मतलब कहने का मतलब है आप अच्छी चाहिए जगह पर आप बेकार प्रोडक्ट होता है। बेकार प्रोडक्ट का मतलब ये नहीं कि आपका क्वालिटी खराब है या क्वांटिटी वो ख़राब है। कभी कभी क्या होता है जैसे आप नैनो जैसी चीज़ें शहरों में उतार दें तो लोग कम परचेज़ करेंगे, वहीं अगर आप गांव में भी उतार देंगे तो लोग नैनो इसलिए नहीं प्रेफर करते हैं क्योंकि वहाँ की रोडें ही इतनी अच्छी नहीं है, तो मिडिल क्लास फैमिली ही उसको ज़्यादा ज़्यादा कर पाती है। या फिर जैसे हमको जैसे मजबूत गाड़ियाँ गाँव में चलती हैं, जैसे ऑडी अगर आपकी बात कर दें तो ऑडी अगर आप गाँव में बेचने चले जाएंगे तो बिल्कुल भी नहीं बिकेगी। क्यों नहीं बिकेगी भाई, जाहिर सी बात है वहाँ लोग एक गाड़ी बिकेगी मुश्किल से, एक बंदा होगा, 2 बंदे होंगे, 4 बंदे होंगे, तो हो सकता है आपको लगेगी, लेकिन यहाँ पर उसका जो बंदा, वहाँ के लोग क्या यूज़ करते हैं, वहाँ के लोग मोस्टली क्या यूज़ होते हैं, तो हमको ध्यान रखना है कि वहाँ पर कैसा एरिया है। अगर गांव है तो वहाँ पे कौन सी चीज़ें बिकती हैं, जैसे गांव में जीप ज़्यादा बिकती हैं, ट्रैक्टर ज़्यादा बिकते हैं, मोटरसाइकिल ज़्यादा बिकती हैं, मोटरसाइकिल में भी सब तरीके की नहीं, जो नॉर्मल हैं, जो एवरेज अच्छा देती हैं उस तरह, यानी एवरेज गाड़ियाँ बहुत अच्छी बिकती हैं वहाँ पर। वहीं अगर हम बात कर लें कहाँ की कि शहरों की बात कर लें, तो शहरों में एवरेज नहीं, लग्जीरियस लोग ढूंढते हैं, यानी कि बेटर, यानी कि जो गांव में प्रोवाइड हो सकता है उससे तो बेटर वो जाने की कोशिश करते ही हैं। उसके पे भी अगर ना जाए तो वो सोचते हैं कि क्या और क्या कर सकते हैं, जो वो चीज़ तो वहाँ पे भी है यहाँ पे भी, तो उससे तो बेटर लेने की कोशिश करते ही हैं। उसके बाद बात करते हैं मार्केटिंग है ड्यूअल ऑब्जेक्टिव, 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, प्रॉफिट मेकिंग। यानी कि जो सेलिंग में क्या था, केवल एक ही ऑब्जेक्टिव, प्रॉफिट, यहाँ पर क्या है, सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं है आपको, प्रॉफिट के साथ साथ आपको कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन का भी ध्यान देना होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक यानी कि स्कोप ऑफ मैनेजमेंट मार्केटिंग जो है वो हम क्या करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, यानी कि नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में आपको पूरा करेंगे। ओके।